हाय वेलकम टू द यूनिक एनिमल ब्रीड इन्फो। इस समय हम हैं मालवा के गढ़ में और मालवा के गढ़ में हम अफसर भाई के पास और उनके अब्बा जी के पास आए हैं और काफ़ी बड़ा नाम है मालवा में जो मालवा बकरे तैयार करता है। मिलाते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि क्या कब से बकरे पाल रहे हैं और क्या क्या खासियत के बकरे इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम हुआ अपना? जी मेरा नाम है भाई मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद जी, जी अपन कब से बकरे पाल रहे हैं और कौन कौन सी क्वालिटी रखते हैं? मालवा बकरे पालते हैं अपन। मालवा बकरे जी, जी। जैसे ये बकरे पालते पाल रहे हैं, अब ये बच्चे होशियार हो गए, अब इनके सुपुर्द काम है, ये अफसर वगैरह ये पालते हैं, मतलब ये दूसरी पीढ़ी चालू हो गई है। जी, जी मिलाते हैं उनसे जो अब इस पीढ़ी में जो बकरों को ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई हमें बताइए कि आप इस बकरे के बारे में और अपने शौक के बारे में, और अपन सबसे पहले तो ये बताइए कि अपन ये किस जगह है मालवा में। मैं आपके फोन पे आता ही गया, काफी इंटर हो चुका अंदर ही जी। बताइए भाई, ये अपना गांव है गुलाना। गुलाना, गुलाना डिस्ट्रिक्ट साजापुर है। साजापुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, और बकरा आपके सामने है। जी जी, मतलब यहाँ पे सबसे आने का नजदीकी स्टेशन कौन सा रहता है, आने के लिए क्या आसान रहता है यहाँ? अगर ट्रेन से आते हैं तो एक यहाँ पे सुजालपुर करके स्टेशन है जो लोकल है जी, और नहीं तो अगर जैसे बाहर से आते हैं तो पहले भोपाल या इंदौर आना पड़ेगा अपने को, फिर ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के भी आ सकते हैं। पहले के मुकाबले में इस साल काफ़ी मालवा बकरों का जोर पड़ा है, क्योंकि पहले मालवा इतना उठा नहीं था जितना इस साल है। बराबर जी। तो अशरफ भाई कितने बकरे जानते हैं इस बकरे के बारे में, और काफ़ी खूबसूरत और नायाब चीज़ें तो छुपा के रखी है और दिखाने के लिए भी एकदम तैयार नहीं हुए क्योंकि साल पर ही दिखाएंगे। क्या लॉन्चिंग रहता है क्या अपना भाई? लॉन्चिंग क्या, बस अब आप इतनी दूर से आए हो तो भाई हमारा भी कुछ तो फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाई आप इतनी दूर से परेशान होके आए हो, ये माशाल्लाह बकरा आपके सामने है, काफ़ी बड़ा बकरा। आपको मैं मोबाइल पे आपको कैमरे पे जस्टिस नहीं कर सकते इसके, देखो बगली क्या कहेंगे यहाँ, बगली। हाँ साइड है, साइड है। हाँ रवाज इसको भी बोल सकते हैं बगली। हाँ अपन अपने पास अभी कितने बकरे हाल फिलहाल में कितने बकरों की तैयारी कर रहे हैं भाई? अभी अपने पास तैयारी पे है 12 बकरे। 12 बकरे, 12 बकरे जो बड़े हैं आप खुद देख चुके हैं उनको क्या चीज़ है। हाँ तो लगभग सभी अपने पास भराई पर है। हाँ ये 12 बकरे तो भराई पे है, और सेल्फीडिंग के भी है एक 10 बकरे वो भी है जी। टोटल 22-25 बकरे रहेंगे। 22 से 25 बकरे जी। अच्छा इनमें आपको आज जो वीडियो में हम दिखा रहे हैं जो सेल के लिए अवेलेबल है जी, जैसे इसको भी सेल कर ही देंगे? इसको सेल कर देंगे, अगर कोई अच्छा कस्टमर होगा तो दे देंगे। अच्छे में कैसा, मतलब कस्टमर भी पसंद? कोई चीज का कदरदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दे आप देखिए बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, काफी खूबसूरत बकरा है। और हाइट क्या होगी इसकी, अपनों ने डिटेल में क्या बताया था हाइट क्या है भाई? इसकी 41 से 42 हाइट है जी। हाँ और वजन आएगा तकरीबन इसका 120 किलो। 120 केजी का बकरा। इससे पहले अगर किसी को भाई को शौक करना है तो आपको नंबर दिया जाएगा, उनसे संपर्क कीजिए। हाँ भाई अपना नंबर क्या था? 9992624285805। बकरे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। बराबर। अफसार भाई का हम दूसरा बकरा आपको दिखा रहे हैं और दूसरे बकरे की डिटेल जानते हैं कि मालवा में काफ़ी खूबसूरत बकरा, और इस बकरे के बारे में अफसार भाई हमें बताएंगे।
जी बताइए कि इसकी क्या क्वालिटी है। मालवा में तो हम आई गए हैं क्षेत्र में, अब मालवा ही दिखाते हैं। बताइए इस बकरे के बारे में। भाई ये बकरा है अभी दो दांत के ऊपर है, दो दांत पे। और बकरे की हाइट है 37 से 38 इंच। 37 से 38 इंच, दो दांत पे 37 से 38 इंच। जैसे मालवा की बात करें तो मालवा में हाइट 40 लगभग 40 38 यही रहती है। और इनका देखा जाता है बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर आप क्या देखते हो, आप तो एक एक्सपर्ट इंसान हो, कि मतलब एक आम आदमी अगर कोई बकरा पालना चाहे कि मालवा में क्या क्या क्वालिटी खास देखी जाती है। मैं देखो ना, मतलब दो दांत के हिसाब से उसका सीना वगैरह रुखाब, हाँ। उसका जो चंचलपन, एग्रेसिव मस्ती जी, और स्किन पूरी लाल स्किन का है, हाँ। सिंग भी सफेद है उसके, मतलब इसकी बनावट बहुत अच्छी है, हाँ। जैसे हिसाब से जैसे ये बकरे अपन तैयार करते हो तो सेल तो सिर्फ बकरा ईद के लगभग उसी समय होता है। जी जी जी, है ना। लेकिन ये अभी अपने को सेल करना है, ये करना है अभी सेल करना है जी। और भी अपने पास कुछ बकरे होंगे, वो हम आपको आगे बढ़कर दिखाएंगे, आगे चल करके काफी बकरे हैं और काफी तो छुपा रखे है ना। और इंशाल्लाह बकरा ईद के टाइम पे आपको फुल वीडियो दिखेगी, जो इनकी कितनी तैयारी होती है, पूरे साल की मेहनत हम आपको जरूर दिखाएंगे। मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।